वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। आज मैं बनाऊंगी चिली चीज़ नान, जिसे हम बिना तंदूर तवे पे ही बनाएंगे। रेस्टोरेंट में अक्सर नान मंगाते हैं, वो मैदे की होती है और खाने में कड़क भी लगती है, पर जब हम घर पर ही बनाते हैं तो हम गेहूं के आटे से हेल्दी नान बनाएंगे और चीज़ का फ्लेवर होता है तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिली चीज़ नान। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। नान बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। उसके लिए परात में 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। आप चाहो तो 2 कप मैदा भी ले सकते हो या फिर 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हो। अब बीच में हम थोड़ा सा इस तरह गैप कर लेंगे और साइड में 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल और बीच में 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 3/4 कप दही डालकर बीच में सब मिक्स कर लेंगे, जिससे दही, चीनी और सोडा को मिलाने से सोडा एक्टिवेट होते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाना ज़रूरी है। अब सब आटा मिक्स कर लेंगे और अब ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके 1/4 कप पानी डालकर आटा तैयार करेंगे। पानी हम हल्का गर्म यानी गुनगुना पानी का यूज़ करेंगे। देखिए आटा बन के तैयार है। आटा हमें रोटी के आटे से थोड़ा कड़क यानी पराठे जैसा आटा लगाना है। अब आटे पे थोड़ा सा ऑयल डालकर आटे को चिकना कर देंगे और ढककर 15 से 20 मिनट तक आटे को सेट होने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 4 चीज़ क्यूब को ग्रेट कर दिया है और मैंने ये प्रोसेस चीज़ लिया है। आप चाहो तो मोजरेला चीज़ या फिर पिज़्ज़ा चीज़ भी ले सकते हो। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक की मात्रा होती है, तो नमक ध्यान रखकर ऐड करेंगे। अब 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चुटकी भर कसूरी मेथी और 1/3 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करके सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। इतने स्टफिंग में से 4 से 5 नान बनेगी और बाकी की हम प्लेन नान बनाएंगे। देखिए सब मिक्स हो चुका है और नान बनाने के लिए हमारा स्टफिंग रेडी है। अब मैंने नान मिलने के लिए गेहूँ का सूखा आटा लिया है, थोड़े से काले तिल, 1 बाउल में पानी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। अब 15 से 20 मिनट के बाद आटा हमारा सेट हो चुका है और एक बार आटे को अच्छे से मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। अब लोई बनाकर तैयार करेंगे। इतने आटे में से 8 से 10 नान बनती है। अब लोई को सूखे आटे में रोल करके बेल देंगे। पहले हम बेलेंगे, तब ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे क्योंकि इसमें हमें स्टफिंग फिल करना है। अगर अभी पतला बेल देंगे तो स्टफिंग फिल करने के बाद जब बेलेंगे तब नान फट जाएगी, इसलिए अभी थोड़ी मोटी ही बेलना है। अब बेलने के बाद जो स्टफिंग तैयार किया था उसमें से 2 टेबलस्पून जितना स्टफिंग फिल कर देंगे और हाथ से थोड़ा प्रेस करके स्प्रेड कर देंगे, फिर फोल्ड करेंगे। अच्छे से फोल्ड करना है कि बेलने के बाद रोस्ट करेंगे तभी नान फटे नहीं। अब फोल्ड करने के बाद वापस सूखे आटे में रोल करके बेल देंगे। नान को हमें पराठे जैसी थोड़ी मोटी बेलनी है। देखिए इससे ज़्यादा ना पतली बेलना है ना मोटी बेलना है। अब नान के ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़े से काले तिल डालकर स्प्रेड करेंगे और ऊपर एक बार बेलन से बेल देंगे, जिससे हरा धनिया और काले तिल चिपक जाए। अब नान को उल्टा कर देंगे और ये नान के बैक साइड पर पानी लगाकर स्प्रेड करेंगे। पानी हमें पूरी नान पर लगाना है, जिससे रोस्ट करने वक्त नान तवे पे अच्छे से चिपक जाए और तंदूर जैसे ही तवे पे रोस्ट हो सके। अब पूरे नान पर पानी स्प्रेड हो जाने के बाद ये पानी वाला पार्ट तवे पे चिपकाएंगे। नान रोस्ट करने के लिए मैंने तवा ऑलरेडी गर्म करने रख दिया था और तवा अच्छे से गर्म करने के बाद ही नान तवे पे डालेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो रखेंगे। देखिए जैसे जैसे रोस्ट हो रही है वैसे नान पे बबल्स आ रहे हैं, यानी थोड़ी फूल रही है, और इस तरह बबल्स दिखे तब तवे को उल्टा करके गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रख कर नान को रोस्ट करेंगे। देखिए गैस की फ्लेम लगते ही नान फूल रही है और तवे को घुमाते हुए सारी साइड से नान को रोस्ट करना है
और आपको चेक करते रहना है कि कहीं पे नान जले नहीं, और जहाँ गैस की फ्लेम नान पर नहीं लग रही है वहाँ तवे को घुमाकर नान पे फ्लेम लगाना है, जिससे नान अच्छे से रोस्ट हो सके। अब नान रोस्ट हो चुकी है तो तवे को सीधा कर देंगे और इसे निकाल देंगे। देखिए कितनी अच्छे से नान रोस्ट हुई है, वो भी बिना तंदूर। आप नान की बैक साइड भी देख सकते हो कितनी अच्छी रोस्ट हुई है। नान का कलर भी अच्छा आया है और एकदम सॉफ्ट भी बनी है। अब नान पर थोड़ा सा घी डालकर स्प्रेड कर देंगे और इसे हम 3 पार्ट में काट लेंगे। मैंने तवे से ही कट कर लिया है, आप पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हो तो काटने में आसान रहेगा। अब मैं आपको नान अंदर से खोल के भी दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। आप चाहो तो ज़्यादा चीज़ का फिलिंग करके एकदम चीज़ी नान भी बना सकते हो। वैसे ही मैं आपको एक दूसरी नान भी दिखा रही हूँ। स्टफिंग भरने के बाद थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और काले तिल स्प्रेड करके एक बार बेल देना है और उल्टा करके बैक साइड में ब्रश से पानी स्प्रेड कर देना है, और पानी स्प्रेड किया है वो साइड को हम तवे पे चिपकाएंगे और नान को हो सके तब तक आयन के तवे पे ही रोस्ट करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो रखेंगे, जिससे नान अच्छे से रोस्ट हो सके। और जब बबल्स दिखने लगे यानी ऊपर से थोड़ी फूल जाए तब तवे को उल्टा करके गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और नान को रोस्ट करेंगे। एक नान रोस्ट होने में 1 से 1.5 मिनट लगती है। देखिए नान भी रोस्ट हो चुकी है तो अब तवे पे से निकाल देंगे और नान पे घी लगाकर स्प्रेड कर देंगे। आप देख सकते हो कि नान दोनों बाजू से अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और बाकी के नान भी इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। देखिए सारी चिली चीज़ नान बनकर तैयार है और रेस्टोरेंट में मिलती है उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी और एकदम सॉफ्ट नान घर पर आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको नान का टुकड़ा करके भी दिखा रही हूँ कि कितनी सॉफ्ट नान बनी है। ये चिली चीज़ नान को आप कोई भी पंजाबी सब्जी या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हो, या फिर आप इस पे थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर चाय के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी ये मज़ेदार चिली चीज़ नान को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।